नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुंदर सिंह मेहरा और हाउ टू हिंदी डॉट इन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के छोटे से हाउ टू वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप लोग कैसे कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम के अकाउंट को डिलीट करना थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहना है अगर आप लोगों ने अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को डिलीट करना है। मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को दो ऐसे तरीके बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करते हुए आप लोग अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में किसको कैसे करना है तो फिर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने मोबाइल फोन में और इंस्टाग्राम के अकाउंट को डिलीट करने का तरीका सीख लेते हैं। तो यहाँ पर से देखिए हम लोग आ गए हैं अपने मोबाइल फोन में। अब आप लोगों को अपने मोबाइल फोन से इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को लॉन्च करना है और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपने उस अकाउंट को सेलेक्ट करना है जिसको भी आप लोग डिलीट करना चाहते हैं। तो अकाउंट को सेलेक्ट करने के लिए बॉटम राइट कॉर्नर पर यहाँ पर आप लोगों की प्रोफाइल पिक्चर मिलेगी। आप लोगों ने इस प्रोफाइल पिक्चर में डबल टैप करना है। जैसे आप लोग डबल टैप करेंगे तो आप लोगों की प्रोफाइल पिक्चर स्विच हो जाएगी। तो आप लोगों ने उस प्रोफाइल को सेलेक्ट करना है जिसको भी आप लोग डिलीट करना चाहते हैं। मेरे केस में यहाँ पर से ये प्रोफाइल है सुंदर सिंह मेहरा डॉट लाइव, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ हमेशा के लिए। तो जैसे आप लोग अपनी प्रोफाइल को सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को टॉप राइट कॉर्नर पर तीन लाइन देखने को मिलेगी। आप लोगों ने यहाँ पर से तीन लाइन को सेलेक्ट करना है। जैसे आप लोग तीन लाइन को सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेटिंग्स का। तो आप लोगों ने यहाँ पर सेटिंग्स के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे आप लोग सेटिंग्स के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा हेल्प का। तो आप लोगों ने यहाँ से हेल्प के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि इंस्टाग्राम हम लोगों को इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में कोई ऑप्शन नहीं देता जिससे हम लोग अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को डिलीट कर पाए। तो जैसे आप लोग हेल्प को सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोगों के पास एक ऑप्शन आता है हेल्प सेंटर का। आप लोगों ने यहाँ पर से हेल्प सेंटर के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर से हेल्प सेंटर के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आप लोग यहाँ पर से इंस्टाग्राम हेल्प सेंटर पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोगों को टॉप राइट कॉर्नर पर ही यहाँ पर तीन लाइन देखने को मिलेंगी। आप लोगों ने तीन लाइन को सेलेक्ट करना है। जैसे आप लोग तीन लाइन को सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन आता है मैनेज योर अकाउंट का। तो आप लोगों ने यहाँ पर से मैनेज योर अकाउंट के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप लोग मैनेज योर अकाउंट के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर आप लोगों के पास एक ऑप्शन आ जाएगा डिलीट योर अकाउंट का। तो आप लोगों ने यहाँ पर से खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर से डिलीट योर अकाउंट के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो फिर भी आप लोगों को अकाउंट डिलीट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो जैसे आप लोग डिलीट योर अकाउंट के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के पास तीन ऑप्शन आते हैं जिसमें इंस्टाग्राम आप लोगों को बताता है कि टेम्पररी डीएक्टिवेट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, एक्सेस योर डेटा ऑन इंस्टाग्राम। तो आप लोग यहाँ पर से अगर टेम्पररी डीएक्टिवेट योर अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर फिर आप लोग इस ड्रॉपडाउन को सेलेक्ट करेंगे तो आप लोगों का उसमें ये ड्रॉपडाउन खुल जाएगा और फिर यहाँ पर कहीं पर भी आप लोगों को ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है जिससे आप लोग अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं या फिर टेम्पररी डीएक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर अगर आप लोग ये वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट को, यहाँ पर भी हम लोगों को डायरेक्ट कहीं पर ऑप्शन नहीं मिलता है। पहले हम लोगों को यहाँ पर ही ऑप्शन मिल जाता था जिससे हम लोग अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को डिलीट कर पाते। तो यहाँ कहीं पर हम लोगों को ऑप्शन मिल जाता था डिलीट योर अकाउंट का, तो ये अभी यहाँ पर हम लोगों को कहीं पर नहीं मिल रहा है। तीसरा ऑप्शन भी हम लोगों को नहीं मिलता है। तो अब हम लोगों को यहाँ पर से करना क्या होता है, आप लोगों को यहाँ पर से टेम्पररी डीएक्टिवेट योर इंस्टाग्राम अकाउंट के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। ये जो ड्रॉपडाउन है इसको सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पर आप लोगों को नीचे को स्क्रॉल करना है और फिर यहाँ पर आप लोगों को नीचे एक नोट लिखा हुआ देखने को मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट। तो आप लोगों ने यहाँ पर से इसको सेलेक्ट करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर से इसको सेलेक्ट करेंगे डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट को, तो फिर यहाँ पर आप लोगों के पास डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट का ऑप्शन आएगा और फिर यहाँ पर आप लोगों को एक ड्रॉपडाउन देखने को मिलेगा जिसमें यहाँ पर से एंड्रॉइड हेल्प लिखा हुआ होगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर से एंड्रॉइड ऐप हेल्प को सेलेक्ट करना है, मतलब इस ड्रॉपडाउन को सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर आप लोगों के पास एक ऑप्शन आ जाएगा मोबाइल ब्राउजर हेल्प। तो आप लोगों ने यहाँ पर से मोबाइल ब्राउजर हेल्प वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप लोग यहाँ पर से मोबाइल ब्राउजर हेल्प वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोग आएंगे, यहाँ पर फिर नीचे आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डिलीट योर अकाउंट का। तो आप लोगों ने इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अगर आप लोग इतने लंबे प्रोसेस को नहीं करना चाहते हैं तो आप लोगों को सिंपली करना क्या है, YouTube पर जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आना है। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आ जाइए और फिर यहाँ पर आप लोगों को जो भी लिंक मिलेगा, ये पहला लिंक मिलेगा, आप लोगों ने यहाँ पर से क्या करना है https://m.howtohindi.in इंस्टाग्राम वाले लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप लोगों के मोबाइल फोन पे ब्राउजर खुल जाएगा और आप लोग इस आर्टिकल पर पहुंच जाएंगे। जैसे आप लोग इस आर्टिकल पर पहुंचेंगे तो फिर आप लोगों को नीचे को स्क्रॉल करना है और इसी आर्टिकल में यहाँ पर आप लोगों को दो तरीके बताए गए हैं इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करने के। तो फिर यहाँ पर से आप लोगों को जहाँ पर नीचे वे टू वाला ऑप्शन मिलेगा इसी में यहाँ पर आप लोगों को एक लिंक मिलेगा स्टेप वन के अंदर डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट परमानेंटली। तो आप लोगों ने यहाँ पर से इसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप लोग इसको सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आप लोग डायरेक्ट यहीं पर पहुंच जाएंगे डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट वाले पेज पे और फिर यहाँ पर आप लोगों को नीचे को स्क्रॉल करना है और फिर यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट योर अकाउंट का। तो आप लोगों ने यहाँ पर सिंपली डिलीट योर अकाउंट के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। तो फिर यहाँ पर इंस्टाग्राम आप लोगों से बोल रहा है डिलीट योर अकाउंट, आप लोग अपना अकाउंट को क्यों डिलीट करना चाहते हैं, व्हाई डू यू वांट टू डिलीट।
अपना जो अकाउंट है उसका नाम वो क्यों डिलीट करना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर से ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट कर लीजिए और जो भी आप लोगों का रीजन लगता है आप लोग उसको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप लोगों को यहाँ पर से प्राइवेसी कंसर्न है या फिर टू मेनी एड्स, आप लोगों को बहुत सारे एडवर्टीजमेंट दिखते हैं इंस्टाग्राम में, और या फिर आप लोगों ने अपना जो सेकंड अकाउंट है वो बना लिया, तो जो भी आप लोगों का सुटेबल रीजन है आप लोग उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, क्रिएटेड अ सेकंड अकाउंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर से इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपना जो पासवर्ड है, जो आप लोगों का इंस्टाग्राम पासवर्ड है, वो यहाँ पर आप लोग डाल सकते हैं। अगर आप लोगों को अपना इंस्टाग्राम पासवर्ड नहीं है, आप लोग इसको रिस्टोर करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। आप लोग उस वीडियो को देखकर अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को रिस्टोर कर सकते हैं और अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर से मैं अपना जो पासवर्ड है उसको डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पर से अपना जो पासवर्ड है उसको डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, डिलीट सुंदर सिंह मेहरा डॉट लाइव के ऑप्शन को सेलेक्ट कर। तो यहाँ पर से फिर ये मेरे से फाइनल कंफर्मेशन मांग रहा है कि क्या मैं अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर से इसको ओके कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोग के पास एक मैसेज आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ आएगा योर अकाउंट विल बी डिलीटेड ऑन, यहाँ पर आप लोग को एक डेट देखने को मिलेगी। जिस भी डेट में आप लोग अप्लाई करेंगे उससे 30 दिन आगे की डेट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि इंस्टाग्राम 30 दिन का समय लेता है इंस्टाग्राम के अकाउंट को डिलीट करने का। तो 30 दिन में अगर आप लोगों का अपना माइंड चेंज हो जाता है और आप लोग अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को दोबारा से रिस्टोर करना चाहते हैं, तो आप लोग इंस्टाग्राम में अपनी आईडी और अपने पासवर्ड से दोबारा से लॉगिन करेंगे, तो आप लोगों का जो अकाउंट है वो रिस्टोर हो जाएगा। अगर आप लोग 30 दिन के अंदर अंदर अपने अकाउंट पर लॉगिन नहीं करेंगे, तो फिर 30 दिन के बाद आप लोगों का जो अकाउंट है इंस्टाग्राम का वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे कि आप लोग कैसे इंस्टाग्राम के अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। भविष्य में अगर आप लोगों को ऑप्शन डिलीट योर अकाउंट पर नहीं मिलेगा, तो आप लोग यहाँ पर सिर्फ पोस्ट में आएंगे। जैसे आप लोग पोस्ट में आएंगे, तो यहाँ पर जो भी मैंने ये पहला लिंक दिया हुआ है, आप लोग उस लिंक पर क्लिक करेंगे, तो ये आप लोगों को हमेशा आप लोग इस लिंक का इस्तेमाल करते हुए अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और आप लोगों के काम आया, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही हाउ टू वीडियो देखने के लिए अगर आप लोगों ने हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।